हेलो फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज जैसा कि जिया के बर्थडे के ब्लॉग के बाद अब हम यहां पर आ गए हैं बर्थडे गिफ्ट्स अनबॉक्स करने के लिए। तो आप आगे देखिए कि हम लोग कैसे कैसे गिफ्ट्स अनबॉक्स करते हैं। बच्चों की एक्साइटमेंट, मतलब मिस टीना आज उसका लास्ट एग्ज़ाम था, तो उसने ना मतलब कल ही डिसाइड कर लिया था कि मेरे आने के बाद ही तुम लोग गिफ्ट अनबॉक्स करोगी। एक्चुअली हम लोगों ने उसे कैसे भी कन्विंस किया था कि स्कूल से आ जाओ तब हम खोलेंगे, वरना वो बर्थडे वाले दिन ही रात को भी बोल रही थी गिफ्ट्स खोलेंगे। तो हम लोगों ने बोला कि बर्थडे जिया का है और एक्साइटमेंट तुम्हें है, तो फिर कैसे भी कन्विंस करके ये शाम को मंडे इवनिंग को जब उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए तब फिर हम लोग यहाँ पर आ गए थे। और ये देखिए मिस्टी का स्पेशल गिफ्ट जो जिया को उसने दिया है, और यहाँ पर जो है उसको ऐसे लॉक कर दो और लिख दो तो अरेज नहीं हो पाएगा। ऐसा भी है? नहीं पता था। अगर किसी को फूल भी कर सकते हैं इसमें, यहाँ पर ऐसे लॉक कर दो, वो लोग ऐसे ऐसे करेंगे कि अरेज नहीं होगा। कुछ गिफ्ट्स तो पहले ही ऑलरेडी खुल चुका है, एक दो का रैपर निकल भी गया है। हाँ, ये अंकल दिया, अंकल दिया। ये कौन दिया? क्या मम्मी? मम्मी ने दिए, ये तुम्हारे तुम्हारे चॉकलेट का बड़ा वाला है, देखो। यूज़
मशीन है, कपड़ा धोई कीजिए इसमें, ठीक है? रुको, मम्मी को दो, मम्मी खोलेगी। अरे उसको सबको निकाल दो उसमें से। हाँ लो, लो तो हटो हटो दिखा दीजिए।
से उसे अभी डालो चाहिए इसके अंदर रख देते हैं गाइस सारे गिफ्ट्स अनबॉक्स हो चुके थे उसके बाद ये जिया और उसके बाबा की दादाजी की ना आप देखिए मस्ती यहाँ पर थोड़ी सी कैसे ना पापा जी वो रुमाल से ना हैंडकरचीफ से ना चूहा बना करके उसे थोड़ा सा जंप कराते हैं जिया उसे हंस रही थी उसके बाद गाइस आप लोगों को लग रहा हो कि मैं कहाँ जाने लगी और या फिर पता नहीं क्या पैक कर रही हूँ या अनपैक कर रही हूँ तो ये ना जो छठ पूजा में मैं घर गई थी तो ये वही ट्रॉली है जो भाई के साथ गाड़ी पर आई थी तो उसके बाद भाई आया नहीं था तो आज बर्थडे वाले दिन ही ये ट्रॉली मतलब तकरीबन ऑलमोस्ट वन मंथ होने वाला है उसके बाद ही आया तो उन सबको मैं निकालने लगी थी क्योंकि ट्रॉली कल से लेकर आज तक ऐसे रूम में पड़ा हुआ था तो उन सबको भी रखना ज़रूरी था। उसके बाद फिर ये हो गया है ट्यूसडे मॉर्निंग और सुबह उठते ही मैं चाय चढ़ाने आ गई थी और अभी क्या है ना गाइस अभी बड़ा हैक्टिक शेड्यूल जा रहा है। कुक भी घर चला गया है उसे कुछ इमरजेंसी काम आ गया तो वो इमिडिएटली घर चला गया है और उसके बाद अभी मतलब कॉलेज में भी अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं प्रिपरेटरी चल रहे हैं बच्चों के तो जिसकी वजह से मुझे भी 9 o'clock तक निकलना होता है और ऊपर से मिस्टी को भी स्कूल भेजो फिर खाना बनाओ फिर कॉलेज जाओ तो मतलब ऐसा लग रहा है ना कि मशीन की तरह भाग रही हूँ। तो सुबह उठते ही मैंने रात को ही ना आलू गोभी का मैंने सोच लिया था कि सुबह सब्ज़ी बनाऊँगी तो वो कट करके मैंने फ्रिज में रख दिया था। इधर चाय हो गई थी उधर मैंने सब्ज़ी ना मतलब छौंक दिया था कि गोभी तब तक फ्राई होगा उसके बाद फिर आलू फ्राई करके फिर प्याज और मसाला उसका तैयार करेंगे। इधर मिस्टी के लिए मिस्टी ने कहा था कि आलू पराठा जाएगा तो वो स्टफिंग भी मैंने बना के रख दी थी और अभी उसके लिए आलू पराठा बनाना। इधर फ्रूट्स भी मैं साथ में कट कर रही थी मतलब ऐसा लग रहा था ना कि दो चार और भी हाथ आ जाते तो शायद और भी जल्दी काम हो जाता। उधर हस्बैंड जो थे बालकनी में वो मशीन में कपड़े डालने लगे थे तो ऐसे भी ना मंडे ट्यूसडे आता है ना तो ऐसा लगता है ना कि हर कोई ना राजधानी एक्सप्रेस की तरह पता नहीं किस मशीन की तरह काम करने लगता है क्योंकि एटलीस्ट ना शाम को हर किसी के पास थोड़ा सा टाइम होता है थोड़ा सा ओके वाला सिचुएशन होता है लेकिन सुबह में ऐसा लगता है ना कि इंसान मतलब सच में ना कहीं से काम की भरमार हो जाती है और ऐसा लगता है कि सब कुछ अभी ही इतनी ही जल्दी ख़त्म करना है। शाम को होता है अच्छा ठीक है कर लेंगे ऐसा वाला होता है। उसके बाद मैंने सब्ज़ी के लिए मसाले में निकालने लगी थी उधर मैंने प्याज डाल दिया था आलू गोभी फ्राई हो चुका था। अब मसाले जो जनरल मैं यूज़ करती हूँ वही आप तो मेरे ब्लॉग्स वगैरह में देखते ही रहते हैं तो इधर मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा टाइम था मैं 6:30 उठ गई थी तो मैंने सोचा कि तब तक ना सब्ज़ी बना लेते हैं और मिस्टी का मतलब जब रेडी होने लगेगी तब उसके लिए आलू पराठा बनाएंगे। फिर खा के जाने के लिए ट्यूसडे था तो मिस्टी ने कहा था कि वो ब्रेड खा कर जाएगी तो वो ब्रेड मैंने चढ़ाया कि उसे ये सेक करके दे दूँ लेकिन ब्रेड सेकते वक्त ना मैं उधर चली गई कुछ और करने लगी इधर ब्रेड एक तरफ से जल गया था तो ये भी हो गया तो ये मैंने सोचा कि पहले उसे दे देते हैं ताकि वो धीरे धीरे जितनी देर में वो खाएगी ना क्योंकि खाने में बहुत टाइम लगाती है तो वो जितनी देर में खाएगी उतनी देर में मैं आलू पराठा बना लूँगी। उधर सब्ज़ी का प्याज भी मैंने उसे ढक दिया था अभी मुझे उसे भी देखना था फिर उसके बाद उसमें मसाला डालना था तो अभी तो ना मतलब डे ऐसे जा रहा है ना कब सुबह हो रही है कब शाम हो रहा है पता नहीं चलता। इधर मैंने अब
उसे ब्रेड देने के बाद ये आलू पराठा बनाना शुरू कर दिया था। उसके साथ मैंने सोचा था कि हम लोगों का भी नाश्ता बनाना है, तो उसके लिए मैंने सोचा कि अब क्या हम क्या बनाएंगे। तो फिर आज मैंने सोचा कि चलो उत्पम बनाते हैं, वो इडली डोसा वाला बैटर भी रखा हुआ था तो मैंने सोचा वही बना देते हैं, हर कोई वही नाश्ता कर लेगा। और एक्चुअली मैं कुक ने मतलब एक दूसरा कुक अपने जगह पर रिप्लेसमेंट बोला कि आज से वो आएगा, लेकिन वो कुक आया मतलब मंडे और ट्यूसडे, और वेडनेसडे को उसने कॉल करके कहा कि नहीं बहुत दूर हो जा रहा है। फिर हमने सोचा कि भाई जब आप तुम आए थे तो तुम्हें पता नहीं था कि कितना डिस्टेंस है। खैर उसे आना नहीं था इसलिए उसने मना कर दिया, वो आया नहीं। अब फिर से मेरी ड्यूटी लगी है एकदम ऑल टाइम, मतलब ऐसा लग रहा ना कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिल रही है ऐसा करके। इधर पराठा मैंने एक डाल दिया था, दूसरा वाला मैं बेलने लगी थी, और फिर मुझे जिया के लिए भी, तो अभी तो जिया भी स्कूल जाने लगी है तो वो भी काम बढ़ गया। दो बच्चों को स्कूल भेजना मतलब ना जस्ट लाइक अ हैक्टिक, क्या पता नहीं कैसा हो जाता। उसके बाद पराठा मैंने बना के मिस्टी का पैक कर दिया था। अभी ये टमाटर में मसाला डालने के बाद उसके लिए टमाटर निकाल रही थी। अभी मुझे भी जिया का ना वो शॉर्ट ब्रेक वगैरह, सॉरी जिया का बोल रही हूँ, जिया का तो इडली डोसा ऐसा ही कुछ दूंगी उसे लंच में, ताकि वही खा करके आते। इधर मिस्टी का मैं पैक करने लगी थी, मिस्टी ने कहा कि मुझे आलू पराठा के साथ ना सिर्फ कुकुम्बर दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा पिकल मांग रही थी, आजकल उसे पिकल खाने का इंटरेस्ट आया। इधर सब्जी का टमाटर भी मेल्ट हो गया था, अब मुझे इसमें वही आलू गोभी देना था जो फ्राई करके रखा हुआ। इधर अभी तो मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ, कल मैंने इसीलिए ब्लॉग नहीं डाला, कल से फिर से इतनी ज़्यादा कोल्ड हो गई है ना कि ऐसा लग रहा है कि हमेशा मतलब ना नोज़ रनिंग है ऑल टाइम, उसी में ये सारे काम। सुबह में वेदर भी काफ़ी अलग सा हो जा रहा है, काफ़ी ठंड हो गई है यहाँ भी। बेंगलोर में ऐसा वेदर होता नहीं था, लेकिन बेंगलोर सुबह में ना उठने के बाद ऐसा लगता है हमारे यहाँ वाली ठंडी हो गई है, जैसा बिहार दिल्ली राजस्थान वगैरह में रहती है, यूपी वगैरह में। इधर हो गया था, मैंने इसमें पानी डाल दिया और फिर से कवर कर दिया कि अच्छे से कुक हो जाए। उसके बाद इधर यह सब्जी हो गई थी, मैंने हटा के देखा, उसके बाद इस पर थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया, इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। तो सब्जी मेरी बन गई थी। उसके बाद मैं नहाने चली गई किचन खाली करके, क्योंकि विमला के आने का टाइम हो जाता। उसके बाद आने के बाद मैंने ये उत्पम बनाना, वो सब चॉपिंग ना मैं पहले ही करके रख दी थी सुबह ही, क्योंकि ना चॉपिंग करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। अगर चॉप किया हुआ है ना तो आप जल्दी से खाना बना लोगे। तो आप देख ही रहे हैं मैं रेडी होकर के आई थी, और उसके बाद ना ये बनाने के बाद मैं घड़ी भी देख रही थी, 9:00 हो चुका था, मुझे 9:15 तक निकलना है क्योंकि 9:30 से इन्विजिलेशन ड्यूटी है। इधर इसीलिए मैंने ना दो तवे चढ़ा दिए कि फटाफट जल्दी जल्दी निकल जाए। इधर मेरा ये वाला तवा ना ख़राब हो चुका है, दूसरा ऑर्डर मैंने किया है, लेकिन अभी ना ये खरमास चल रहा है, तो इस वक्त ना हम नई चीज़ें मतलब स्टार्ट नहीं करते, कोई भी किसी भी चीज़ का यूज़ भी नहीं करते नहीं। उसके बाद ये ना शाम को मिस्टी के स्कूल में मैथ्स एक्टिविटी थी, उसके लिए ये लोग ना फेक वाला नोट लेकर के आए थे, उससे इन दोनों की बदमाशी आप देखिए। तो गाइस आई होप कि वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, ये ब्लॉग आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे पिछले लास्ट वीडियोज़ ब्लॉग्स वगैरह को देखें। तब तक फिर मिलेंगे, बाय बाय। ये क्या है?